हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है तो जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। आज बच्चों की छुट्टी है तो आज हमारे यहाँ मायके में ना दाल की जो होती है वो रोटी बनती है भर के। पर तो वही सोचा था मैंने, एक साल में एक बार बनती है तो बना लेती हूँ। तो शर्मा जी बोले नहीं, मैं कचौड़ी खाऊँगा। तो जा रही हूँ कचौड़ी बनाऊँगी। और इधर मैंने भगोना चढ़ा लिया है, उस पे थोड़ा घी डाल दिया है। जा रही हूँ खीर बनाने। बहुत दिन बाद आज मन किया है कि खीर बनाऊँगी। नवरात्रि में शायद मैंने बनाई थी, तब से नहीं बनाई है, बहुत दिन हो गए थे। तो घी गरम करके चावल उसमें थोड़ी देर फ्राई कर लिया है और जा रहे हैं। उसके बाद पानी डाल देंगे इसमें। और पानी डालने के बाद पक रही है उधर वो धीरे धीरे, जब तक तब तक सब्जी बना लेती हूँ। और पीहू को तो सूखी घुइयाँ पसंद है, अरबी मतलब। लेकिन मैंने सोचा कि पूड़ी और कचौड़ी है तो थोड़ा सा ना गीली बना लूँगी, ग्रेवी वाली। तो छील लिया है। और इनको छीलने के बाद मैंने नहीं काटा है, क्योंकि जब इनको काट लो ना तो फिर हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ऐसे पहले धुल लो उसके बाद काटो तो नहीं होती है। और इधर चावल पक गया है तो इसमें मैंने दूध डाल दिया है। और उस साइड जा रही हूँ जब तक ये और थोड़ा पकेगी। अभी दूध पड़ा हुआ है, तब तक सब्जी छौंक दूँगी, उसके बाद इसको देखूँगी। तो ये और सब्जी छौंकने के बाद ना मुझे ड्राई फ्रूट इसके लिए काटने हैं, खीर के लिए, तो वो काट कर लूँगी। अभी फ़िलहाल सब्जी बना लेती हूँ। और सब्जी बनाने के बाद ना मुझे ड्राई फ्रूट काटना है। और उसके बाद शर्मा जी की ना अलग अलग पसंद है, उनको गरी जो है ना वो कद्दूकस करके नहीं पसंद आती है, तो काटने में टाइम लगता है, जल्दी हो या देर हो पर उसे कट करके ही वो किसी चीज़ में गरी खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं। और ना बुरादा वाली और ना ही कद्दूकस करके। तो सब्जी हो चुकी है, इसको बंद करके दूसरी साइड कर दिया है। और इस पर चीनी डाल दूँगी। और मेवा कट हो चुकी है तब तक। और इसके बाद जा रही हूँ खीर जब बन जाएगी तो उनकी दूसरी एक पसंद है कि आज उन्होंने बोल दिया है कि आज मैं मिक्सी की दाल की नहीं खाऊंगा कचौड़ी, आज उन्हें सिल की दाल से बनी हुई कचौड़ी चाहिए। तो सिल जो है वो छत पे रखी हुई है और वहाँ जाना पड़ेगा। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और फिर पहुंच गए थे वहाँ पर इसको करने के बाद। लेकिन लास्ट ईयर मैंने ये सिल ली हुई थी तो उस टाइम पे मुझे ना मेरी प्लेलेट्स डाउन थी तो मिक्सी में पीस के मैं नहीं पी पाती थी पपीते का रस या पत्तियाँ। तो फिर उसके लिए मैंने मंगाया था, पर इसके खांचे ना तो जब खरीद के आए थे वही बने हुए, मैंने नहीं करवाए। तो मैं पीस तो लेती हूँ सिल में, पर ऐसे में ना जब खांचे नहीं होते ना तो पीसने में बहुत टाइम लगता है, ऊपर से इतनी गर्मी। मैंने बस आधी पीसी और आधी ऐसे ही रख दी थी, फिर दूसरे दिन यूज कर लिया था। पता नहीं क्या क्या फरमाइश करते रहते हैं। और वहाँ से आने के बाद मैंने पूड़ी और सब्जी बन चुकी थी, पूड़ी कचौड़ी थी तो वो बना ली है। खाना बन के हो गया है रेडी, जा रही हूँ सबको दे देती हूँ। मेरे मायके में तो पूजा होती है, दीवारों पे पुतले बनाए जाते हैं, उन्हें सबसे पहले खिलाया जाता है, फिर कन्या को, तब उसके बाद पूरा घर खाता है। और हमारे घर में सीजन में ना दशहरी का आम बहुत कम पसंद करते हैं, शर्मा जी को ही पसंद है। पीहू और कुहू और मुझे यही वाले आम बहुत पसंद हैं, तो मैंने वही मंगवाया था। और ये वाले आ जाते हैं इतने तो खा लो ना बिल्कुल नहीं मालूम चलता, और वो दशहरी मीठे मीठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और इसका टेस्ट ना खट्टा मीठा होता है तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो खाना दे आती हूँ, आप सब ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।